अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था जहाँ मैं मॉडर्न फैशन शॉपिंग व्लॉग के लिए गई हुई थी, तो आज उसका मैं शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ और साथ साथ कुछ दराज के पार्सल भी मेरे पास जमा हुए हुए थे। तो ओवरऑल मेरे पास बहुत सारे बैग्स जमा हो गए, शॉपिंग हॉल भी है और दराज पार्सल्स भी हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, जल्दी से बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। लेट्स स्टार्ट टू द शॉपिंग हॉल, वन बाई वन करके आपको सारे पार्सल दिखाती जाऊँगी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो पार्सल है वो है मेरे शूज़, जो कि मुझे 1490 रुपीज़ में सेल में से मैंने बाय किए हैं। एंड मैंने वाइट एंड ब्लैक दोनों के बारे में बहुत बहुत सोचा कि मैं कौन से वाले लूँ, सो मैंने ब्लैक बाय किए हैं। दिल मेरा वाइट की तरफ था बट बाय मैंने ब्लैक किए हैं, बिकॉज़ वाइट जो है वो वन मंथ के बाद देखने के भी काबिल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में इतनी डस्ट एंड गंदगी होती है, इवन आपके बॉक्स में पड़े हुए भी जो है ना वाइट ख़राब हो जाते हैं। अगर आप डेली वेयर में पहनने वाले हो तो आप ब्लैक ही की तरफ जाएंगे। वाइट वही लोग बाय करेंगे जो बार बार अपनी 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद शूज़ को चेंज करना चाहेंगे। सो नेक्स्ट पार्सल है ये मेरी अम्मी जी के लिए। मैंने एक कम्फी सा जूता लिया है जो कि शुगर वालों के लिए और वैसे भी बहुत अच्छा है, नरम सा। मेरी मदर क्या करती हैं, जब तक इनका जूता नहीं टूटेगा ना चेंज नहीं करती हैं, जल्दी घर पे बाहर हर जगह एक ही जूता पहन के फिरती हैं। और मुझे इतना होता है मम्मा प्लीज़ चेंज कर लें, अब बड़ी मुश्किल से मैंने उनको ये जूता चेंज करवाया है। मदर सिर्फ अपना सोचती नहीं है, बच्चों का सिर्फ सोचती हैं, अपनी ज़ात का तो उनको होता ही नहीं है ना, बस वो कहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, उनका ना हमें ही ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें और उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा करें। ये क्यूटू सा मुझे वहाँ बैलून एंड झुंझुना नज़र आया था, तो ये मैंने मोहम्मद एंड हुरैन के लिए बाय किया था। नेक्स्ट पार्सल है ये, मैं इतने अरसे से ढूंढ रही थी, दराज में ऐड टू कार्ट था। ये बहुत एक्सपेंसिव 350 का मुझे वहाँ पे दराज में मिल रहा था, तो ये मुझे वहाँ पे 90 रुपीज़ में नज़र आए हैं। ये दोनों हैंगर्स हैं स्कार्फ के लिए, 5 कंपार्टमेंट में, इनमें जैसे मर्जी अपने स्कार्फ्स हैंग करें। नेक्स्ट पार्सल है मोहम्मद के सैंडल, जो कि मैंने 2 बाय किए थे, मैंने आपको पहले भी उस दिन व्लॉग में बताया था। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाके देखें। और इसके अंदर मुझे ये 600 में मिला था, तो ये मैंने अभी का साइज़ ले लिया। दूसरा वाला मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लिया, वो भी बहुत बहुत प्यारे सैंडल्स हैं। तो ये दोनों सैंडल्स मोहम्मद को बहुत पसंद आए और मुझे ये ग्रे वाला बहुत पसंद आया, तो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया, पर इतना बड़ा नहीं लिया, ज़रा सा बड़ा है, मतलब अगले 6 मंथ्स में उसको आ जाएगा। तो बस ये 2 सैंडल्स लिए हैं और बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी है। स्टाइलो का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटी कैसी होती है, बट बहुत कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और स्पेशली ब्रांड की। नेक्स्ट मेरा पार्सल है ये बहुत ही प्यारा सा मेरा बैग है, जो कि डबल चेन वाला है। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, लाइक आप इसको हैंड में भी कैरी कर सकते हो एंड क्रॉस बॉडी भी बना सकते हो। तो ये मैंने लिया था 1800 का आई थिंक, या फिर 2000 का, क्योंकि ये डबल है, लाइक इसके अंदर वॉलेट भी है और अंदर से बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। और अगर आप ये किसी ब्रांड से लेते तो आपको ये 5000 एंड 4000 से कम नहीं मिलता, तो ये भी चाइना से इम्पोर्ट होते हैं, तो बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी थी। तो जो मैंने पहले व्लॉग में अपना बैग लगाया था टोट बैग, शायद आपको याद हो, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वो वाला शॉपिंग हॉल भी ज़रूर देखेगा, वो मेरा भाभी ने मुझसे ले लिया। एज आई टोल्ड कि मैं शॉपिंग हॉल के साथ साथ दराज पार्सल भी अनबॉक्सिंग करती जाऊंगी, तो ये वाला दराज पार्सल जो है ये मैंने मंगवाया है Any3 स्टोर से। बहुत ही प्यारा छोटा सा मिनी क्रॉस बॉडी बैग है, जो कि बहुत बहुत हाइप है इस बैग की और वायरल है हर जगह पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। उन्होंने जितने भी इन्फ्लुएंसर है 15 कुछ रुपीज़ में उन्होंने बाय किया, किसी ने 13 में, किसी ने 1000 में, आपको बिलीव नहीं आएगा मैंने 575 रुपीज़ में बाय किया है दराज से Any3 स्टोर से। एंड इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, जितनी मैंने इसकी हाइप सुनी थी ना उससे कई गुना बढ़ के मैंने इस बैग को पाया है। ये 2 गन्स हैं छोटी सी। नेक्स्ट दराज पार्सल है बुक का, जो कि पायरेटेड बुक्स इस वेबसाइट से दराज की मिलती हैं, और 269 रुपीज़ में मुझे ये बुक मिली है, जिसमें द वे ऑफ टॉकिंग, हाउ टू टॉक एनीवन, 92 ट्रिक्स बताई गई हैं एंड 92 वेज पता चलेंगे हाउ टू टॉक एनीवन इन डिफरेंट वेज। व्हेनेवर आई रीड दिस बुक आई विल डेफिनेटली गिव द रिव्यू टू ऑल।
नेक्स्ट पार्सल जो है ये है ड्रीम, माय ड्रीम कम ट्रू। मुझे ये सनब्लॉक बहुत पसंद था, काफ़ी अरसे से, 1 ईयर से मैं इसका ऐड टू कार्ट करके बैठी हुई थी। लूँ नहीं लूँ कश्माकश में थी, क्योंकि इट्स सो एक्सपेंसिव। और क्लीन ब्यूटी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब मेरी हार्ट फेवरेट हैं, मेरी लिस्ट में है कि मैं इसका मॉइस्चराइज़र भी लूँ, इसकी जेल फॉर्म में फेस वॉश भी लूँ, बट आई कांट बाय नाउ, बहुत एक्सपेंसिव है। आज़ादी सेल में मुझे यूजिंग कोड 1534 में ये मिल रहा था, एंड जल्दी से मैंने इसको बाय कर लिया और फाइनली मुझे मेरा ये सनब्लॉक मिल। आई गॉट दिस फाइनली माई ड्रीम सनब्लॉक एंड आई जस्ट लव इट। सून आई विल इंशाल्लाह रिव्यू इट। दिस सनब्लॉक आपको मेरी बातों से लग गया होगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट मैं सून इसका रिव्यू लेकर आऊँगी विद ऑनेस्टी। और आपने मेरे चैनल को विजिट करना है अगर आप न्यू हो, और मेरे सारे ब्लॉग्स देखने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मैं बहुत ही ऑनेस्टली रिव्यूज़ लेकर आती हूँ आप सबके लिए, ताकि आप लोगों की मनी सेव हो। चले नेक्स्ट पार्सल है स्टाइलो, जो चाहो वो पाओ। तो मुझे इसका एक जूता अच्छा लगा, जो कि मुझे वैसे 5000-6000 का था, लेकिन डिस्काउंट में मुझे ये 2200 का पड़ा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस सॉफ्टी से। घर पे भी कैजुअली पहन सकती हूँ, बाहर जाते हुए भी, एंड इजी टू कैरी है, इजी टू वेयर है, बहुत आरामदेह है। नेक्स्ट पार्सल मेरा दराज का है, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटू सी मिनी सी पिंटरेस्टी सी वायरल जो है ना बोटल है, जिसका मुझे बहुत शिद्दत से वेट था कि मैं इसको बाय करूं, कि बहुत एक्सपेंसिव आ रही थी, लाइक 1300-1500। आपको पता है एनीथ्री स्टोर से आज़ादी सेल से मुझे सारी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती मिली है अंडर 400। यू गॉट माई पॉइंट, येस, अंडर 400 आई गॉट दिस बोटल, 391 रुपीज़ आई गॉट दिस। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सबके मिल जाएंगे, अगर यहाँ नहीं मिल रहे तो मेरी बायो में आपको इंस्टाग्राम की मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत पसंद आई है मुझे ये, जितनी मुझे ये पिक्चर में अच्छी लगी थी उतनी ही मुझे ये यहाँ पसंद आई, और बहुत छोटू सी है। चले नेक्स्ट पार्सल है मेरा लूफा ग्लव्स, यस। इसकी मुझे इतनी ज़्यादा हाइप सुनी थी इंडियन ब्लॉगर्स के पास भी एंड पाकिस्तानी ब्लॉगर्स के पास भी फाइनली, बट मैंने ज़रा डिफरेंटली ऑर्डर किया है, जो शायद अभी आपने किसी के पास नहीं देखा होगा, जिसमें लूफा भी है एंड ग्लव्स भी है, दोनों मिक्स हैं, एंड इतनी अच्छी अच्छी इसकी क्वालिटी है ना, जितनी दफ़ा मैंने अच्छा बोला ना उतनी अच्छी। टूथब्रश केस, हाँ जी टूथब्रश केस, तो इसमें मैंने अपनी मिसवाक रखनी है एंड टूथब्रश रखना है। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली है, एंड इसमें मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं अपना ब्रश एंड मिसवाक साथ में कैरी कर लूँगी, विद के उसको कोई जम्स नहीं लगे। नेक्स्ट पार्सल है टिंकल रेजर्स, जो कि मैंने दराज से ही मंगवाई हैं, 119 रुपीज़ में, बहुत ही लो प्राइस में मिल रही थी, मैंने जल्दी से दोनों ऑर्डर कर दी। नेक्स्ट पार्सल जिसका मैं एक साल से इंतज़ार कर रही थी कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले से, कि मेरे पास ये मैट या कारपेट होना चाहिए, और आपको पता है ये मैंने कितने का हासिल किया है, ओनली 400 रुपीज़, जी हाँ। और इसकी वैसे प्राइस एक्चुअल आ रही थी 1700 समथिंग, और एनीथ्री स्टोर से मैंने ये बाय किया है, और डीसी पढ़ के मुझे ये ना, क्योंकि मैंने 3 थिंग्स इकट्ठी नहीं मंगवाई थी, ये एक ही मंगवाया था, तो मुझे इस पर डीसी पड़ी है, तो मुझे ये 650 का पड़ा है। बट आई एम सो हैप्पी नाउ, मेरे व्लॉग्स आपको और भी मज़ेदार और प्यारे लगेंगे इसकी वजह से, एंड रील्स भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एंड मेरे पेज को फॉलो कर लो, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे 1000, ताकि जल्दी से मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। आई रियली नीड इट टू गेट मोनिटाइजेशन। नाउ मैं जो पार्सल आपको दिखाने वाली हूँ वो है मेरा अबाया एंड बुरका। ये था अबाया, जिसको आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसकी वजह से आप लोग मेरा शॉपिंग हॉल देख रहे हो। आई नो, ये मैंने अबाया बाय किया है 2500 में, एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे ब्लैक कलर का अबाया चाहिए था, सिंपल सा, मॉडर्न सा, एलिगेंट सा एंड डिसेंट सा, तो मुझे फ्रॉक स्टाइल में चाहिए था, जो कि आजकल बहुत वायरल है मैक्सी स्टाइल में, तो मुझे मिल गया फाइनली। आई गॉट इट इन 2500 एंड निदा फैब्रिक्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सी छोटू सी प्यारी सी कार्स एंड गन मेरे बेबी के लिए, एंड ये 4 स्क्रंचीज मैंने बाई की थी बहुत अच्छी प्राइस में, 100 ईच में, मुझे बहुत प्यारी में मिली है। इसकी क्वालिटी दोनों की इतनी अच्छी है, मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी कि मुझे ना ये पहले नहीं बाय करनी चाहिए थी, अभी यहीं से सारे कलर्स बाय कर लेती। ये 100 रुपीज़ का मैंने लाइनर लिया है, जो कि तमाम ब्रांड्स के लाइनर पे भारी है,
ओनली 100 रुपीस में, 1000-2000 वाले लाइनर्स पे भी भारी है, इतना अच्छा है ये। एंटीक स्टाइल में मैंने ज्वेलरी स्टाइलों से बाई की है जो कि 900 में थी, 51% ऑफ पे मुझे 200 रुपीस में मिली है, इतनी ज़बरदस्त। और ये फैक्ट्री आउटलेट से मिली है, डेट्स वाई ये बहुत चीप प्राइस में मिली है। तो मुझे ना आगे फंक्शंस आ रहे थे कुछ शादी के, तो मेहंदी पे अच्छा लगेगा, और मुझ पर ये स्टाइल झुमका वैसे ही अच्छा लगता है। वुडन कॉम जो कि बहुत नेसेसरी है हेयर्स के लिए, वो बाय किया। एंड ये लक्स बॉडी केयर के लिए बाय किया, मैकले लंदन दराज से ही मंगवाया है मैंने ये। तो ये जूतों को डालने के लिए एक बैग लिया है ट्रैवलिंग के लिए, तो 150 रुपीज़ पर मुझे ये पठानों से मिला, बहुत बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी, दो लिए थे मैंने। एंड ये स्टाइलो की जूती है जो कि भाभी की है, भाभी ने 1000 रुपीज़ में ली है, वैसे ये 2300 रुपीज़ में थी, बहुत बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी, और अब भाभी ने वेडिंग के लिए बाय की है। और ये दो जूते भाभी ने हुरैन के लिए बाय किए हैं, ये वाला भाभी की चॉइस पे था और सेकंड वाला ब्लैक वन माई चॉइस। एंड अगर इसमें मुझे मेरा साइज़ मिलता तो आई डेफिनेटली बाय फॉर माई सेल्फ, बट मुझे नहीं मिला। एंड इसका इतना फैशन आया हुआ है, एंड ये बहुत बहुत प्यारी लगती है, और हमने हुरैन का 29 साइज़ ले लिया, हर साइज़ वाज 25। एंड मैंने कहा भाभी बाद में पहनने की, ले लो प्लीज़, बहुत प्यारा है। एंड ये झुमका स्टाइल में एयरिंग्स थे जो कि भाभी को बहुत पसंद आए थे, एंड 200 रुपीज़ में मिल रहे थे, तो मैंने कहा भाभी जल्दी से ख़रीद लें, ये बहुत प्यारे लगते हैं फेस के ऊपर। और ये भाभी ने स्क्रंचीज ली हैं, ये भी बहुत प्यारी मुझे लगी, एंड जस्ट 90 रुपीज़। डेट्स इट, ये है आज का सारा शॉपिंग हॉल, होपफुली यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल डेफिनेटली कम विद मोर व्लॉग्स ऑफ ग्रूमिंग टिप्स, स्किन केयर, हेयर केयर, अबाउट टीनेजर्स, हाउस वाइफ्स एंड मॉडर्न फैशन से रिलेटेड एंड सो ऑन। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, एंड दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू विद माई नेक्स्ट व्लॉग्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Take care. Bye-bye. Allah Hafiz.